ये बांके बिहारी का वो पावन वृंदावन है, जिस वृंदावन में आप इतनी मस्ती में झूम रहे हैं। जरा भाव से, आश्यामा तो है, आश्यामा तो है कचरा लगावा, 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 कचरा तो रख मालवे कजरा तो रख मालवे मैं ताला लैया किया, बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया किया, बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया किया, लालैया अखियां लालैया अखियां, लालैया अखियां बांके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया किया, बांके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया किया। हरि बोल, आश्यामा तेनु दिल में बिठावा, 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 बिठाना चाहते हो ठाकुर जी को दिल में? जय हो। कौन कौन बिठाना चाहता है? वाह क्या बात है। आश्यामा तो है दिल में बिठावा, आश्यामा तेनु दिल में बिठावा, आश्यामा तो है दिल में बिठावा, आश्यामा तो है दिल में बिठावा, दिल हो माला मालवे मैं लैया किया, दिल हो माला मालवे मैं लैया किया, बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं लैया किया, बाके बिहारी लालैया अखियां, लालैया अखियां, लालैया अखियां, लालैया अखियां, बांके बिहारी तेरे नाल वे मैं लालैया अखियां, बांके बिहारी तेरे बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखियां, बाके बिहारी तेरे बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखियां, बाके बिहारी तेरे लालैया अखियां। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, नंदनंदन सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ये भक्ति का नशा है, ये कोई डीजे का नशा नहीं, ये कोई मदिरा का नशा नहीं, ये कोई भांग का नशा नहीं, ये परमात्मा की भक्ति का नशा है। कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी, तू एक बार हरी रस की प्यालियां पीकर तो दे, तेरी सारी जिंदगी सुधर जा। आई जाओ फड़ बुला लेंगे।
हाँ निकल और
हाँ निकल जरा फूल बिछा दो आंगन में मेरे
गोतर से आत्मा गुरुदेव मेरे परमात्मा तेरे दर्शन को कर सर और खाली दम ठीक है सब कुछ मंगल है बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखिया बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखिया बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखिया ला लैया अखिया ला लैया अखिया ला लैया अखिया ला लैया अखिया बांके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखिया बांके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखिया जय हो हरि बोल आशमा तेनु तिलक लगावा आशमा तेनु तिलक लगावा आशमा तेनु तिलक लगावा आशमा तेनु तिलक लगावा चंदन रोली नाल वे मैं ताला लैया अखिया चंदन रोली तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखिया ला लैया अखिया ला लैया अखिया लालैया अखियां लालैया अखियां बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखियां बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखियां आशमा तेनु मुकुट पहनावा आशमा तेनु मुकुट पहनावा आशमा तेनु मुकुट पहनावा आशमा तेनु मुकुट पहनावा लट घुंघराले तेरे बाल वे मैं ताला लैया अखियां लट घुंघराले तेरे बाल वे मैं ताला लैया अखियां बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखियां बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखियां ए हो ये बांके बिहारी का वो पावन वृंदावन है जिस वृंदावन में आप इतनी मस्ती में झूम रहे हैं जरा भाव से आश्यामा तो है आश्यामा तो है कजरा लगावा 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 कजरा तो रख मालवे कजरा तो रख मालवे
मैं ताला लैया किया बाके बिहारी तेरे नाल बे मैं ताला लैया किया बाके बिहारी तेरे नाल बे लालिया अखियां लालिया अखियां लालिया अखियां लालिया अखियां बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखियां बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखियां आशा मां तेनु दिल में बिठावा आशा मां तेनु दिल में बिठावा बिठाना चाहते हो ठाकुर जी को दिल में कौन कौन बिठाना चाहता है वाह क्या बात है आशा मां तो है दिल में बिठावा 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 दिल हो माला मालवे लालैया किया दिल हो माला मालवे बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया किया बाके बिहारी नाल वे मैं ताला लैया किया लालैया अखियां लालैया अखियां लालैया अखियां बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया किया बाके बिहारी तेरे बाके बिहारी तेरे नाल में मैं ताला लैया किया बाके बिहारी तेरे नाल में मैं ताला लैया किया बाके बिहारी तेरे नाल में मैं ताला लैया किया बाके बिहारी तेरे नाल में मैं ताला लैया अखिया बोले वृंदावन बिहारी लाल की नंदनंदन सरकार की कृष्ण कन्हैया लाल की ये भक्ति का नशा है ये कोई डीजे का नशा नहीं ये कोई मदिरा का नशा नहीं ये कोई भांग का नशा नहीं ये परमात्मा की भक्ति का नशा है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा रात बीती सुबह उतर जाएगी जाम पर जाम पीने से क्या फायदा रात बीती सुबह उतर जाएगी तू एक बार हरी रस की प्यालियां पीकर तो दे तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी परमात्मा के नाम रस की जो प्यालियां एक बार पी लेता है उसकी सारी जिंदगी सुधर जाती है उसका भक्ति मार्ग प्रशस्त हो जाता है बोले वृंदावन बिहारी लाल की बांके बिहारी लाल की जय हो कमल जी देवराज जी दिख नहीं रहे हैं कहां कहीं बाहर है क्या हिसाब किताब बाद में बनता रहेगा जाओ बुला के लाओ बोले वृंदावन बिहारी लाल की डॉक्टर साहब भी कुछ नाराज से लग रहे हैं बहुत पीछे बैठे हैं क्या बात है आगे आ जाइए आगे आ जाइए आपके समधी जी आपका आगे इंतजार कर रहे हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं फागुन का महीना लगत ही हिया मोरा उमंग में होरी खेले सांबरा श्री राधा जी के संग के होरी खेले सांवरा
श्री राधा जी के संग में होरी के रसिया की मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मोरी माने ना मोरी। वाह सीधे आगे आ जाओ। माने ना मोरी मोहे होरी में मोहे होरी में मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मोरे मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मोरे मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मोरे होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मोरी माने ना मोरी माने ना मोरी माने ना मोरी मोहे होरी में मोहे होरी में मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मोरे मोहे होरी में कर गयो तंग ये बाल संग घेर लाई मोहे अकेली जान के बाल बाल संग घेर लाई मोहे अकेली जान के भर भर मारे रंग पिचकारी सन्मुख तान के भर भर मारे रंग पिचकारी सन्मुख तान के यानी ऐसो यानी ऐसो मचायो हुर तंग ये रसिया माने ना मोरी यानी ऐसे मचायो हुर तंग ये रसिया माने ना मोरी माने ना मोरी माने ना मोरी मोहे होरी में मोहे होरी में मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मोरे मोहे होरी में हरि बोल जाऊं मेरे पीछे डोले जान जान के जाऊं मेरे पीछे डोले जान जान के कित जाऊं मेरे पीछे डोले जान जान के कित जाऊं मेरे पीछे डोले जान जान के ना माने होरी मैं कहूं कि ये गली गली न के नाए होरी नाए होरी
खेलन को ढंग ये रसिया बाने ना मोरे नाहे होरी खेलन को ढंग ये रसिया बाने ना मोरे माने ना मोरी माने ना मोरी माने ना मोरी मोहे होरी में मोहे होरी में मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मोरे मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मोरे मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मोरे मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मोरे मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मोरे मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मोरे मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मोरे होरी के रसिया की जय हो। वृंदावन भी हरिलाल की जय हो। अब तो थक गए, अब भी नहीं, पसीने तो आप सबको पड़ गए बेचारे हमारे। देखो पांच पांच कैमरों का काम कर रहे हैं ये, जो काम पांच कैमरों से होता है वो ये अकेले कैमरे से कर रहे हैं। एक बार जरा जोर से बता दूं, पसीने पड़ गए, इनका तो रहम कर लो। बोली बांके भी हरिलाल है की नंद नंदन सरकार है की मेरे लिए तो तुम बेरहमी हो, है ना, मेरी तो बोला तुम चिंता ही नहीं करते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल है की, आइए जरा ठाकुर जी के श्री चरणों में एक हाजरी और भरे। अंतिम या बोलो, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, हाटेश्वरी गा देते हैं छोड़ो, क्योंकि बीच में सुंदर नगर वाले भी है ना, इसी के बीच में ठाकुर जी का दूसरा भाव भी आ जाएगा। बस शांति और आनंद के साथ झूमना है। आइए जरा हाटेश्वरी माँ के चरणों में प्रणाम करें, क्योंकि माता रानी श्री राधा रानी जी का ही स्वरूप है, तो किशोरी जी के श्री चरणों में भी एक बार नमन होना चाहिए। आइए सुंदर भाव, हाटेश्वरी और श्याम का मिलन करवा देंगे। कहने का मतलब है कि एक में ही दोनों का आनंद ले लेंगे। आइए जरा सुंदर भाव, हाँ कॉम्बो मान लीजिए। कि यादें भी सर्वभूतेषु हाटेश्वरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली हाटेश्वरी महारानी की, आइए भाव से, हाटेश्वरी मैया हाटेश्वरी 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 मैया 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 हाटेश्वरी मते किन की
लेकिन मैया तेरा भवन बनाया, किन मैया तेरा भवन बनाया, किन मैया तेरा भवन बनाया, भवन बनाया बड़ा सुंदर सजाया, भवन बनाया बड़ा सुंदर सजाया, किन किन मैया तेरा भवन बनाया, भवन बनाया तेरा भवन बनाया, भवन बनाया फूल नाल सजाया, भवन बनाया फूल नाल सजाया, देखने रा सुंदर नजारा हो, हाटेश्वरी मैया हाटेश्वरी, 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 पंज पांडवन भवन बनाया, पंज पंज पांडवन भवन बनाया, भवन बनाया बड़ा सुंदर सजाया, भवन बनाया बड़ा सुंदर सजाया, पंज पंज पांडवन भवन बनाया, पंज पांडवन भवन बनाया, भवन बनाया बड़ा सुंदर सजाया, अर्जुन चंवर झुलाई हो, अर्जुन चंवर झुलाई हो, हाटेश्वरी मैया हाटेश्वरी, 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 क्या बात है चोला मैया अंगत विराजे, सुआ सुआ चोला मैया अंगत विराजे, अंगत विराजे मैया प्यारा प्यारा लागे, अंगत विराजे मैया प्यारा प्यारा लागे, सुआ चोला मैया अंगते विराजे, अंगते विराजे मैया प्यारा प्यारा लागे, केशर तिलक लगायो माँ, केशर तिलक लगायो माँ, हाटेश्वरी मैया हाटेश्वरी, हाटेश्वरी मैया हाटेश्वरी, हाटेश्वरी मैया हाटेश्वरी, हाटेश्वरी मैया हाटेश्वरी,
कृष्ण ज चल दे आगे ज आगे कृष्ण ज चल दे पीछे कुंवारा डारा हो आगे ज आगे कृष्ण ज चल दे आगे ज आगे कृष्ण ज चल दे पीछे कुंवारा डारा हो वैशीरा नजारा शमाओ तेरी मुरलीरा नजारा हो वैशीरा ज चल दे आगे ज आगे कृष्ण ज चल दे पीछे गोपियां राडारा हो आगे ज आगे कृष्ण ज चल दे पीछे गोपियां राडारा हो शीरा नजारा शमाओ तेरी मुरलीरा नजारा हो वंशीरा नजारा शमाओ तेरी मुरलीरा नजारा हो वंशीरा नजारा शमाओ तेरी मुरलीरा नजारा हो वंशीरा नजारा शमाओ तेरी बांके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखियां बांके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखियां बांके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखियां ला लैया अखियां ला लैया अखियां ला लैया अखियां ला लैया अखियां बांके बिहारी तेरे नाल वे
आशमा तेनु तिलक लगावा आशमा तेनु तिलक लगावा चंदन रोली नाल वे मैं ताला लैया किया चंदन लालैया अखिया लालैया अखिया लालैया अखिया लालैया अखिया बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखिया बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखिया आशमा तेनु मुकुट पहनावा आशमा तेनु मुकुट पहनावा लट घुंगराले तेरे बाल वे मैं ताला लैया अखिया लट घुंगराले तेरे बाल वे मैं ताला लैया अखिया बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखिया बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखिया ये बांके बिहारी का वो पावन वृंदावन है जिस वृंदावन में आप इतनी मस्ती में झूम रहे हैं जरा भाव से आश्यामा तो है आश्यामा तो है कजरा लगावा आश्यामा तो है कजरा लगावा आश्यामा तो है कजरा लगावा कजरा तो रक मालवे कजरा तो रख मालवे मैं ताला लैया अखिया बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखिया बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखिया लालैया अखिया लालैया अखिया लालैया अखिया बांके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखिया बांके बिहारी तेरे नाल वे मैं ताला लैया अखिया हरि बोल आशमा तेनु दिल में बिठावा 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 बिठाना चाहते हो ठाकुर जी को दिल में हो कौन कौन बिठाना चाहता है वाह क्या बात है आशमा तो है दिल में बिठावा आशमा तेनु दिल में बिठावा आशमा तो है दिल में बिठावा आशमा तो है दिल में बिठावा दिल हो माला मालवे ताला लैया अखिया दिल हो माला मालवे ताला लैया अखिया
बाके बिहारी तेरे नाल वे मैं थाला लैया किया बाके बिहारी नाल वे मैं थाला लैया किया लालैया अखियां लालैया अखियां लालैया अखियां बिहारी तेरे नाल में मैं ताला लैया किया बाके बिहारी तेरे नाल में मैं ताला लैया किया बाके बिहारी तेरे नाल में मैं ताला लैया किया बाके बिहारी तेरे नाल में मैं ताला लैया किया बोले वृंदावन बिहारी लाल की नंदनंदन सरकार की कृष्ण कन्हैया लाल की ये भक्ति का नशा है ये कोई डीजे का नशा नहीं ये कोई मदिरा का नशा नहीं ये कोई भांग का नशा नहीं ये परमात्मा की भक्ति का नशा है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा रात बीती सुबह उतर जाएगी जाम पर जाम पीने से क्या फायदा रात बीती सुबह उतर जाएगी तू एक बार हरी रस की प्यालियां पीकर तो दे तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी परमात्मा के नाम रस की जो प्यालियां एक बार पी लेता है उसकी सारी जिंदगी सुधर जाती है उसका भक्ति मार्ग प्रशस्त हो जाता है बोले वृंदावन बिहारी लाल की बांके बिहारी लाल की जय हो कमल जी देवराज जी दिख नहीं रहे हैं कहां कहीं बाहर है क्या हिसाब किताब बाद में बनता रहेगा जाओ बुला के लाओ बोले वृंदावन बिहारी लाल की डॉक्टर साहब भी कुछ नाराज से लग रहे हैं बहुत पीछे बैठे हैं क्या बात है आगे आ जाइए आपके समधी जी आपका आगे इंतजार कर रहे हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं फागुन का महीना लगत ही हिया मोरा उमंग में होरी खेले सांबरा श्री राधा जी के संग के होरी खेले सांवरा श्री राधा जी के संग में होरी के रसिया की मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मोरी माने ना मोरी वाह सीधे आगे आ जाओ माने ना मोरी मोहे होरी में मोहे होरी में मोहे होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने शिवतनयम् वरिष्ठम् सर्वकल्याणमूर्तिम् परुषकमलहस्तम् शोभितम् मोदकेन अरुणपुष्पमालां व्यालयज्ञोपवीतिं मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा भक्तिर्हरिज्ञानं ताभ्यां याच समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथा वंदे युगलरूपिणी। आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वागर्थाविव संप्रिक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ओम जयन्ति मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, नंदनंदन सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आज के आनंद की, माता पिता श्री की, सद्गुरुदेव भगवान की, समस्त संत ब्राह्मणों की, आए हुए समस्त भक्तों की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ग्राम देव, स्थान देव, वास्तुदेव, इस क्षेत्र के समस्त देवी देवता इस यज्ञ को निर्विघ्नतः परिपूर्ण करने हेतु अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे इष्ट आराध्या इस यज्ञ को निर्विघ्नतः परिपूर्ण करने हेतु अपना स्थान ग्रहण करें। समस्त संत ब्राह्मण सदगुरु के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आदि पुरुष नारायण भगवान के श्री चरणों में मेरा वंदन। मेरे इष्ट आराध्या इस यज्ञ को परिपूर्ण करने हेतु अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, नंदनंदन सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़िद्यत विनिंदित पीताम्बरधारीवाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली, बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य जी, सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य, इस परम पुनीत प्रांगण में जो मेरे बांके बिहारी जी की निवास स्थली, मेरे ठाकुर जी राधा माधव का ये सुंदर प्रांगण, इस पट्टा बरौरी क्षेत्र से श्रीमद् भागवत का कथा का रसास्वादन करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग, सुभारती चैनल, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से
इस कथा का अपने अपने श्रीनिवास से दर्शन श्रवण करने वाले मेरे समस्त कथा प्रेमी भक्तवृंद, सर्वप्रथम इस पवित्र व्यास मंच से मैं आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे बांके बिहारी जी की झांकी विद्यमान है उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूं। बंधुओं, परम सौभाग्य होता है उन सभी भक्तों का जिनके जीवन में भगवान की कथा का रसवर्षण होता है, क्योंकि परमात्मा की कथा जीव के जीवन में अनंत जन्मों के पुण्य के प्रभाव से ही प्राप्त होती है। क्योंकि भागवत प्रमाण है इस बात का कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम हितदा दयते विवेक। जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब हमारे एकत्रित होते हैं तब जाके भगवान की ये कथा हम सभी को प्राप्त होती है। तो अनंत जन्मों के पुण्य के प्रभाव से ही भगवान की ये अहेतुकी कथा, अहेतुकी कृपा का वर्षण कराने वाली ये दिव्य कथा हम सभी जीवों को प्राप्त होती है। इस कलिकाल में, इस कलयुग के प्रभाव में सारे जीव भटक रहे हैं। कोई माया के पीछे भटक रहा है, कोई संपत्ति के पीछे भटक रहा है, कोई वैभव के पीछे भटक रहा है, कोई कार्य के पीछे भटक रहा है। क्योंकि ये सत्यता है कि माया माया सब भजे माधव भजे ना कोई, जो माधव को भजे तो माया चेरी हो। माया का भजन तो हम सभी करते हैं, पर क्या वास्तविक रूप से हमने माधव का भजन कभी किया? हम सभी भगवान का भजन नहीं करते, हम माया के पीछे दौड़ते हैं, माया के पीछे भागते हैं। प्रबंध हो याद रखना, हमारी सच्ची दौड़ जीवन की भगवान के पीछे होनी चाहिए, भगवान के प्रति होनी चाहिए। माया के पीछे दौड़कर, संपत्ति वैभव के पीछे दौड़कर हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हमारा मुक्ति मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता, हमारा भक्ति मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। हमारे जीवन में हमारा भक्ति मार्ग प्रशस्त तो सिर्फ और सिर्फ माधव की शरणागति में जाने से ही हो सकता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान की ये कृपा कि आप सभी को 7 दिनों तक इस कथा में गोता लगाने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पट्टा बरावरी के लोग तो सौभाग्यशाली है ही है, पर सुभारती चैनल के माध्यम से इस कथा का देश विदेश में जो जो भी दर्शन श्रवण करने वाले भक्त है उन सभी भक्तों के जीवन में भी मेरे नारायण की कृपा का वर्षण अवश्य होगा। तो आइए आज प्रथम दिवस की कथा जिसमें हम प्रवेश करें, महात्म्य का दर्शन हम करें, उससे पूर्व 2 घड़ी भगवान नाम संकीर्तन हम सभी ने करना है। ताली सेवा करते हुए सुंदर मनोभाव से हम सभी श्री राधा रानी नाम का आश्रय लेंगे और उसके बाद आज महात्म्य की कथा में हम प्रवेश करेंगे। आओ जरा ताली सेवा के साथ, सुंदर भाव के साथ हम सभी किशोरी जी के नाम का आश्रय अपने जीवन में धारण करें। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे। गाइए भाव से, गोविंद राधे गोपाल राधे, भाव से गाएंगे सभी। गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे राधे।
हरि बोल। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे। दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा हरि बोल। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे हरि बोल। श्री राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे राधे। गाइए भाव से। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे हरि बोल। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे राधे। भाव से ताली सेवा। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे,
श्री श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। बोली राधा रानी सरकार की, ऐसे नहीं जोर से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो आप लोगों की आवाज कम से कम इस माइक तक आनी चाहिए। बोली राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। बंधु देखो परिस्थितियां जैसे भी बने उन परिस्थितियों में रहना हम सभी को आना चाहिए। जैसी भी परिस्थिति जीवन में आए ऐसा मनोभाव रखो कि उस परिस्थिति के अनुसार भी हमें चलना पड़े तो चलना चाहिए। जैसी व्यवस्था है ठाकुर जी का आनंद, और उस परिस्थिति के अनुसार जब चलने का हम प्रयास करते हैं तो भगवान भी अपनी कृपा बरसाते हैं और समस्त जीवों पर भगवान की अहतु की कृपा का वर्षण होता है। बोले भागवत भगवान की। तो आओ जरा हम सभी भागवत के महात्म्य में प्रवेश करें, क्योंकि कथा सुनाने से पहले कथा की महिमा को वेद व्यास जी ने बताया। क्योंकि जब तक जाने बिना ना होई परतीति, जब तक किसी के बारे में हम जानते नहीं तब तक प्रेम नहीं हो सकता, श्रद्धा नहीं हो सकती। तो वेदव्यास जी ने कथा सुनाने से पहले कथा की महिमा को गाया। देखो वैसे तो अनंत पुराणों में श्रीमद् भागवत की महिमा को गाया गया है, पर जो महात्म्य जो महिमा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये पद्म पुराण से ली गई है। तो पद्म पुराण महिमा का वेद व्यास जी के द्वारा कहा हुआ हो पहला मंत्र हम सभी गाएं। तो सभी अपना अपना सर ढकें। आओ जरा मैं भागवत महात्म्य का पहला मंत्र गाऊं, आप सभी भी दर्शन करें श्रवण करें, दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर जी से निवेदन करें कि हमारे समस्त मनोरथ आप सिद्ध करें और हमारा भक्ति मार्ग आप प्रशस्त करें, आपकी अहतुकी कृपा हमारे ऊपर वर्षे, ऐसा आप सभी ने निवेदन करना है। के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय वयम नुमः। भागवत महिमा का पहला मंत्र। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सभी अपने जीवन में कहते रहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, पर वो सच्चिदानंद है कौन, थोड़ा समझने का प्रयास करें। सत चित आनंद तीन शब्दों के मेल से ही सच्चिदानंद शब्द की व्युत्पत्ति होती है। सत है जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होता, पहले भी था वर्तमान में भी है और भविष्य में भी बना रहेगा, यथावत जो बना रहे वो सत्य है। दूसरी बात कही चित्त की। अब देखो परमात्मा सत्य स्वरूप है, हम सभी कहते हैं ना सत्यनारायण भगवान की, इसलिए तो उन्हें सत्यनारायण कहा गया है, क्योंकि उनकी आभा उनकी शक्ति उनकी देदीप्यमानता कभी नष्ट नहीं होती, वो सत्य से परिपूर्णतम ब्रह्म है। दूसरी बात कही है चित्त की। चित्त का मतलब होता है मति, चित्त का मतलब होता है बुद्धि, चित्त का मतलब होता है प्रकाश, चित्त का मतलब होता है देदीप्यमानता, चित्त का मतलब होता है ओजस्विता। वो परात्पर प्रभु चित्त स्वरूप भी है, उनकी आभा के सामने
उनकी देदीप्यमानता के सामने, उनकी ओजस्विता के सामने करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। वो चित्त स्वरूप नारायण है। और तीसरी बात कही है आनंद की, मेरे परात्पर प्रभु आनंद स्वरूप भी है। परमात्मा की कथा आनंद देने वाली है बंधुओं, परमात्मा का नाम आनंद देने वाला है, परमात्मा की स्मृति आनंद देने वाली है। देखो भगवान की याद भी तुम्हें आनंद देती है। सांसारिक लोगों का यदि हम चिंतन करेंगे तो जब तक उस सांसारिक व्यक्ति के साथ आपका प्रेम है तब तक तो उसकी याद आपको आनंद देती है, आपको अच्छा लगता है उसकी याद करके। पर वही व्यक्ति, उस व्यक्ति के साथ जब आपकी कोई दुश्मनी हो जाती है, किसी बात को लेकर उसके साथ तुम्हारी बिगड़ जाती है, तो देखो जिस व्यक्ति की याद में तुम कभी अपने आप को आनंदित महसूस करते थे, आज उसी व्यक्ति की याद में तुम क्रोधित हो जाते हो। क्यों? क्योंकि सांसारिक व्यक्ति के चिंतन में आनंद नहीं हो सकता, सांसारिक व्यक्ति की याद में कभी आनंद नहीं हो सकता। सच्चा आनंद कहां मिलता है? बोले परमात्मा की याद में। सच्चा आनंद कहां मिलता है? परमात्मा की कथा में। सच्चा आनंद कहां मिलता है? परमात्मा के दर्शनों में। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दर्शन कराया कि जो आनंद सिंधु सुख रासी सीकरते त्रय लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख रासी, परमात्मा का नाम आनंद के सिंधु में गोता लगवाने वाला है। जिनका नाम लेने मात्र से हम आनंद के सिंधु में डूब जाते हैं, आनंद सागर में हम सभी गोते लगाने लग जाते हैं, वो परात्पर प्रभु, उनकी कथा आनंद देने वाली है। उनका चिंतन, उनका स्मरण, उनका दर्शन सब आनंद देने वाला है। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति वो परब्रह्म परमात्मा अपनी स्वेच्छा से करते हैं। और देखो जिस विश्व को उत्पन्न करते हैं, इसी विश्व में जितनी भी जड़ चेतन जो तुम कुछ देख रहे हो, वो सभी कृति किसकी है? उन सभी चीजों को उत्पन्न किसने किया? बोले परात्पर प्रभु ने, मेरे परब्रह्म परमात्मा ने, मेरे नारायण भगवान ने। उनका स्वभाव है वो पहले पूरे ब्रह्म को उत्पन्न करते हैं, फिर अपने भाव से ही उस संसार को पालित पोषित करते हैं, और अंत में हल्की सी भ्रिकुटी को टेढ़ा करके उस संसार को लय के गर्त में भी डुबा देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे वो परात्पर प्रभु, ऐसा उनका आनंद, ऐसा उनका दर्शन। तो आओ जरा उन परात्पर प्रभु के श्री चरणों में हम सभी थोड़ा वंदन करेंगे। पर क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के तापों का जो हमारे जीवन से उन्मूलन कर दे, हमारे जीवन से इन त्रितापों को हटा दे, वही मेरे परब्रह्म परमात्मा है। ऐसे नारायण महाप्रभु के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। बोले नारायण भगवान की। दो इंटे मंगा दो चार इंटे। दोनों तरफ चाहिए अखबार लगाओ तब।
समस्त पट्टा बराबरी के भक्त परिवारों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार प्रेम सर भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाकर कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी सरकार की, आज बड़े ही आनंद का विषय है। परम श्रद्धे आचार्य प्रवर पूज्य सदगुरुदेव भगवान आचार्य श्री हरि जी महाराज, जिनकी अमृत में बाणी से श्रीमद भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव के आज प्रथम दिवस की कथा से आप सभी जुड़ रहे हैं और सुभारती चैनल के माध्यम से देश विदेश तक ये कथा लाइव प्रसारण में पहुंच रही है। वैसे तो आज सभी के लिए सौभाग्य का दिन है। देखिए कहते ना कि जिंदगी का एक तो होता है भाग्य जो परमात्मा बनाते हैं और आप अपनी जिंदगी में अपने साथ लेकर आते हैं, वह होता है आपकी जिंदगी का भाग्य। लेकिन एक होता है सौभाग्य। सौभाग्य का तात्पर्य होता है कि मनुष्य कर्म करता है और अपने प्रयासों से अपने सौभाग्य को उज्जवल बनाता है। तो पट्टा बराबरी के भक्त परिवार सौभाग्यशाली है। क्योंकि क्यों सौभाग्यशाली है मैं आपको बताना चाहूंगा। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता है, आप सभी जानते हैं ना, हमारे डॉक्टर साहब भी यहां बैठे हुए हैं। कोई व्यक्ति बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन स्वयं डॉक्टर आपके जब घर पहुंच जाए तो आप खुशनसीब होते हैं। और वो डॉक्टर हमारे स्वयं बांके बिहारी सरकार वृंदावन धाम से आपके यहां आने वाले हैं। पूरी देश, पूरा पूरा दुनिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड जहां बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए वृंदावन धाम में जाता है। लेकिन पट्टा बराबरी के भक्त परिवार ऐसे मजबूत हैं, सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं, स्वयं वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर चलकर बांके बिहारी आपके घर पर आने वाले हैं, इस स्थान पर आने वाले हैं। और ये कृपा कहते ना कि बिन सत्संग विवेक ना होई। बिना सदगुरु की कृपा के आपको सतमार्ग की प्राप्ति नहीं होती, आपको राह नहीं मिलती, आपकी राह जिंदगी की आसान नहीं होती। और ये सौभाग्य आपका उज्जवल हुआ है जो सदगुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर विराजमान है आचार्य श्री हरि जी महाराज। तो चाहूंगा कि अपने सदगुरुदेव भगवान के लिए, पूज गुरुवर के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। कहते ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दीनों बताए। हरि तो सर्वव्यापी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए हम जाना। परमात्मा तो घट घट में बास करते हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानना है तो गुरुदेव के चरण पकड़ने पड़ते हैं, वही आपको परमात्मा की ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। और आइए मैं निवेदन करना चाहूंगा पट्टा बराबरी के भक्त परिवारों से। बांके बिहारी किसके हैं हाथ ऊपर करें, आप सभी के हैं बांके बिहारी, आपके हैं ना, हाथ ऊपर करें। बांके बिहारी पता है क्या चाहते हैं, आपको मालूम है ना, निर्मल मन। भगवान ने कहा है ना कि यदि जो मेरे को प्राप्त करना चाहता है तो कैसा मन चाहिए आपका, निर्मल मन, पवित्र मन आपका होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज ये कथा प्रारंभ हो रही है, 7 दिन कथा चलेगी, पट्टा बराबरी के सभी भक्त परिवार इस आयोजन में पधारे, ये मेरी प्रार्थना है। ये आयोजन गुरुदेव, ये आश्रम और बिहारी जी सिर्फ महाराज जी के नहीं, सिर्फ मेरे नहीं, सिर्फ अकेले आपके नहीं या अकेले आपके नहीं। यदि आप मानते हैं कि बांके बिहारी हमारे हैं, गुरुदेव हमारे हैं और ये आश्रम भी हमारा है, तो सभी को सहयोग देना है, सभी को साथ मिलकर खड़े होना है, तब जाकर ये आश्रम पूरा हो पाएगा और बांके बिहारी आपके आपके घर पर आ पाएंगे, पधार पाएंगे। और यह भी निवेदन करना चाहूंगा, ये आप जिम्मेदारी समझें, इसे कर्तव्य समझें कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे बांके बिहारी का मंदिर है, मेरा अपना आश्रम है। हमारे देश की आजादी के लिए इतने इतने बलिदानों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, देश के अमर जवानों ने, शहीदों ने बलिदान दिया, तब जाकर हमारा देश सुरक्षित हुआ, हम आजाद हुए। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सभी आप उनके नाम जानते हैं। यदि वो व्यक्ति ये सोचते कि ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, हमारी है,
तो हमारी में पता है क्या होता है, आपको मालूम है ना हमारी जिम्मेदारी में क्या होता है? मैं नहीं, दूसरा बाजू वाला कर लेगा। हमारी में ये होता है कि ये जिम्मेदारी मेरी होगी, तो आपको खुद को फील होगा कि परिवार मेरा है, बांके बिहारी मेरे हैं, गुरुदेव मेरे हैं, आश्रम भी मेरा है, तो मुझे भी जाना चाहिए। वहां ये जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है और आप ये सोचेंगे नहीं हमारा है। हमारे का तात्पर्य ये होता है कि मैं नहीं पहुंचा तो पड़ोस वाला पहुंच जाएगा। आपने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया, दूसरे के कंधों पर भार डाल दिया। अब आपको तो नहीं पता कि वो व्यक्ति पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो अब आपको क्या करना है? इस आश्रम को अपना मानना है, गुरुदेव को अपना मानना है, इस महोत्सव को अपना मानना है। श्री कृष्ण कथा महोत्सव, गुरु पूर्णिमा महोत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है और सुभारती चैनल के माध्यम से देश और विदेश तक पट्टा बराबरी का इस गांव का नाम पहुंच रहा है। ये आपका क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में लोग आज टेलीविजन के माध्यम से 7 दिन आपको देखेंगे और आपके दर्शन करेंगे। और बांके बिहारी के भक्त ऐसे निराश नहीं होते, बांके बिहारी के भक्तों के चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट रहती है। तो आप भी प्रसन्न रहें, आप भी खुशी रहें कि चलिए सौभाग्यशाली हैं, स्वयं वृंदावन धाम से बांके बिहारी हमारे पट्टा बराबरी में आ रहे हैं। अच्छा, आप में से कितने भक्त परिवार ऐसे होंगे जिन्होंने काफी बार प्रयास किया होगा कि चलिए हम भी वृंदावन चले, हम भी बांके बिहारी के दर्शन करें। आपने विचार बनाए होंगे ना, किन किनों ने विचार बनाया, संकल्प बनाया, नहीं जा पाए, ऐसे बहुत परिवार होंगे। आप ऐसे गए वृंदावन, कौन कौन गए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, खुशी हुई ना आपको वृंदावन जाकर, बांके बिहारी के दर्शन किए, अपनापन लगा कि हमारे हैं। अच्छा, वही बांके बिहारी आपके घर पर आ जाएंगे तो कैसा लगेगा? और अच्छा लगेगा ना। तो कहते हैं ना कि जिंदगी में इरादे बनते हैं, बनकर के बिगड़ जाते हैं। इरादे बनते हैं, बनकर के बिगड़ जाते हैं। वृंदावन वही जाते हैं जिन्हें हमारे बांके बिहारी बुलाते हैं। तो वृंदावन तो वही पहुंच पाते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं, लेकिन आप खुश नसीब हैं कि आपके घर स्वयं बांके बिहारी आने वाले हैं। तो आइए, बांके बिहारी को आप अपना माने, अपने जीवन का कर्तव्य उस संकल्प को मजबूत करें और ये महोत्सव जिस सेवा के लिए समर्पित किया गया है गुरु के आशीर्वाद से, गुरु चरणों में, ये जो स्थान आप देख रहे हैं जहां आप बैठे हुए हैं, यहीं पर हमारे बांके बिहारी विराजमान होने वाले हैं। उनका भव्य मंदिर निर्माण कार्य, इस आश्रम का निर्माण कार्य और जो भी वृंदावन धाम में आज भी सेवाएं गुरुदेव के सानिध्य में चल रही हैं, तो 7 दिन में मैं स्थानीय भक्तजन और सुभारती चैनल के माध्यम से जो भी भक्त परिवार जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी का आह्वान करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा और प्रार्थना करना चाहूंगा। आइए, आप भी इस महोत्सव से जुड़ जाइए, तन से, मन से और धन से। जब आप अपने घर में भगवान की आरती करते हैं और गाते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो सिर्फ आरती की पंक्तियां बनकर ना रह जाएं, वह उन आरती की पंक्तियों को आप अपने जीवन में भी धारण करें कि भगवान बांके बिहारी सतगुरुदेव भगवान, जो भी आपने हमें दिया है वो आप ही का है, आप ही के आशीर्वाद का है, आप ही की कृपा का है और आप ही की सेवा के लिए समर्पित है। तो आइए, मैं समस्त उपस्थित हरिभक्त परिवार और सुभारती चैनल और महाराष्ट्र के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से देश विदेश तक जो भी भक्त परिवार जुड़ रहे हैं, 7 दिन आप भी महाराष्ट्र के अमृत में वाणी से कथा से जुड़े। प्रथम दिन, प्रथम के 2 दिन कथा का समय 11 बजे से 2 बजे तक, लेकिन शेष 5 दिन 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय रहेगा सुभारती चैनल के माध्यम से। तो आप भी ध्यान रखें और जो सुभारती चैनल के माध्यम से भक्त परिवार जुड़े हैं वह भी ध्यान रखें। और मैं स्थानीय भक्त परिवारों से भी निवेदन करना चाहूंगा, ये आश्रम आपका है, बांके बिहारी यहाँ विराजमान होने वाले हैं, तो आप भी, आपको लगे कि मुझे भी इस आश्रम में सेवाएं देनी चाहिए, तन से, मन से, धन से, जो भी आपको उचित लगे इस आश्रम को कंप्लीट कराने के लिए, बांके बिहारी की स्थापना यहाँ पर हो जाए, जब तक ये जिम्मेदारी आप भी निभाएं और सभी लोगों को जोड़ें, क्योंकि भगवान सबके होते हैं, सब प्रत्येक वर्ग के होते हैं, प्रत्येक जाति के होते हैं, प्रत्येक धर्म के होते हैं,
भगवान कभी नहीं कहते कि कोई भी जाति, कोई भी संप्रदाय, कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म मेरा नहीं है। भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरा है, ये मेरी छोटी सी प्यारी सी दुनिया है, इस दुनिया में आप मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे हो। तो भगवान कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, सबको समान जोड़ कर रखना चाहते हैं। और हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। जब मुट्ठी बंद होती है तो सब परिवार एकजुट रहता है, तो संबंधता आती है, प्रेम आता है, आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है और घर में प्रभु भी विराजमान हो जाते हैं। तो आइए, मैं सभी पट्टा बराबरी और स्थानीय उपस्थित भक्त परिवारों से निवेदन करूंगा, आप भी विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, यकीन के साथ इस गंगा से जुड़ जाइए, इस आश्रम से जुड़ जाइए, गुरुदेव भगवान से जुड़ जाइए और बांके बिहारी से जुड़ जाइए। लेकिन इसके लिए आपको समय निकालकर इस मंदिर प्रांगण में आना होगा, इस आश्रम में आना होगा और सभी भक्त परिवार पधारें, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, सेवाओं से आप किस प्रकार जुड़ सकते हैं। सतगुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में आप इस मंदिर निर्माण कार्य के लिए जो भी आपकी व्यवस्था है, जैसे मैंने कहा कि तन से, मन से और धन से, कुछ लोगों के पास पैसा होता है तो पैसे की व्यवस्था करते हुए इस आश्रम निर्माण कार्य में सहयोग दे सकते हैं। कुछ लोगों के पास पैसा होता है लेकिन समय नहीं होता, कुछ लोगों के पास समय होता है तो समय का सदुपयोग करते हुए आश्रम निर्माण की सेवा कार्यों में अपनी सेवा दे सकते हैं। कुछ लोगों के पास मन होता है, वो कहते भाई मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जिनके पास मन है वो और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, यहाँ साथ लेकर आ सकते हैं कि चलिए हमारे सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में आयोजन प्रारंभ हुआ है और बांके बिहारी का मंदिर निर्माण कार्य, सेवा का कार्य चल रहा है, भाई मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन परमात्मा ने आपको दिया है। तो ऐसे सज्जन भक्त परिवारों को आप साथ लेकर आ सकते हैं ताकि उनको आप प्रेरणा दे सकते हैं, इस आश्रम के सेवा प्रकल्पों से आप जोड़ सकते हैं। तन से आप यहाँ सेवा करें, आप ईंट की, रोड़ी की, बजरी की, सीमेंट की, जो भी सेवा आपको लगे कि मैं सामर्थ्यवान हूँ करने में, यहाँ प्रत्येक दिन भंडारा भी चले उसकी सेवा भी आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है यहाँ भंडारा, वृंदावन धाम में भी निरंतर सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में आज भी वहाँ भंडारा चल रहा है। ब्रज 84 कोस में जो हमारे वहाँ के संत रहते हैं, सद्गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया है कि प्रत्येक दिन वहाँ पर संतों की भोजन प्रसादी, स्वल्पहार अल्पहार उनका चलता है। तो यानी कि संतों की भोजन प्रसादी के लिए जो भी सेवाएं आप लिखाना चाहते हैं संतों के भंडारा प्रसाद के, वो हमसे संपर्क आप कर सकते हैं, सेवाओं से आप जुड़ सकते हैं। और निवेदन करना चाहूंगा, गुरुदेव आपके हैं और गुरुदेव के YouTube चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है। जिन पर आता हो कैसे सब्सक्राइब करना हो वो कर लें कथा के बाद, और जिन पर सब्सक्राइब करना नहीं आता हो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना फोन लेकर आए हमारे पास, गुरुदेव के नाम से गुरुदेव का YouTube चैनल है और Facebook पेज है, क्योंकि आप गुरुदेव से जुड़ रहे हैं और गुरुदेव के लाखों भक्त परिवार भी जुड़े हुए हैं, वह भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो इस आश्रम के सेवा प्रकल्प, इस आश्रम की सेवाएं, गुरुदेव के महत्व सेवा प्रकल्प और जो भी वृंदावन धाम में सेवाएं चल रही हैं, संतों की भोजन प्रसादी, गौ माता की सेवा प्रसादी, बंदरों की सेवा प्रसादी, वो भी गुरुदेव के YouTube चैनल के माध्यम से घर पर बैठकर कथा के माध्यम से आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे। तो जो भक्त परिवार गुरुदेव के YouTube चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो अपना फोन लेकर कथा के बाद हमसे संपर्क करेंगे और हम गुरुदेव के YouTube चैनल से माध्यम से आपको जोड़ देंगे। और प्रार्थना रहेगी कि आज कथा का प्रथम दिवस है, लाइट जाने की वजह से थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन सुभारती चैनल के माध्यम से जो भक्त परिवार अभी अभी जुड़े हैं उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। देखिए ये लाइट चली जाए कोई बात नहीं, हमारे जीवन की लाइट नहीं जानी चाहिए, हमारे जीवन की बत्ती गुल हो जाएगी तो कोरोना काल में बहुत लोगों की बत्ती गुल हो गई है, वो हमारी जिंदगी के साथ नहीं होना चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव और गुरु पूर्णिमा महोत्सव से हमको जुड़ना है। तो आइए आज कथा का प्रथम दिवस है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, आप सभी भक्त परिवार जुड़े रहे। उसके लिए एक बार प्रेम से और भाव से हंसते हुए मुस्कुराते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी सरकार की। आवाज में कंजूसी है, ऐसा लग रहा है कि आज फास्टिंग की है आपने, एकादशी का व्रत है क्या, ऐसे बांके बिहारी नहीं आने वाले।
वो तो पता लगा कि वृंदावन के मंदिर से बाहर ही निकले वापस लौट जाएंगे, कि भक्त इतने नीरस हैं, जयकारे में कंजूसी दिखाते हैं। खुलकर जयकारा बोलिए बांके बिहारी को बुलाना है तो। कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जरा दो घड़ी राधा राम संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश। जय राधे जय राधे, जय श्री श्याम बोलो जय राधे। Yeah.
जय श्री श्याम बोल जय राधे चलते हैं उसी परम पुनीत स्थान में जिसे हम नैमिषारण्य कहते हैं। जिस नैमिषारण्य स्थान पर आज शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं और ऐसे दिव्य संत जिनके जीवन में कई बार युग परिवर्तित हो चुके हैं, दीर्घजीवी संत, उन्हीं संतों के बीच में 21 वर्षीय युवा संत सूत जी का पदार्पण हुआ है। जैसे ही शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को आते देखा तो सभी खड़े हुए और चरणों में प्रणाम किया। सूत जी को अच्छा नहीं लगा। सूत जी ने निवेदन किया कि आप सभी संत अवस्था में मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं तो 21 वर्षीय युवा संत हूं पर आप वृद्ध संत, आप प्रणाम कर रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन यहां संतों ने एक सुंदर बात कही है, हे सूत जी महाराज, शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। हे महात्मन, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। धन में बड़ा होना बड़ी बात नहीं है। धनिक तो कोई भी हो सकता है, धनाढ्य तो संसार में कोई भी हो सकता है, पर उसको बड़ा नहीं कहा जाता। बल वृद्धा, बल में भी यदि कोई बड़ा है तो उसको भी बड़ा नहीं बोला जाता, उसको भी बड़ा नहीं कहा जाता। आयु वृद्धा तथैव च, यदि अवस्था में भी कोई बड़ा है, आयु में भी कोई बड़ा है, तो उसको भी बड़ा नहीं समझा जाता। बोले महाराज, फिर सर्वे भी ज्ञान वृद्धा, जो वास्तव में ज्ञान में बड़ा होता है, जिसके अंदर ज्ञान की बहुलता होती है, जिसके अंदर ज्ञान की अधिकता होती है, वही बड़ा होता है। हे शौनकादि ऋषियों, आपने आज मुझे बड़ा कहा है। बोले हाँ महात्मन, आप बड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ज्ञान की अधिकता है, आपके अंदर ज्ञान की बहुलता है। जिन कथाओं को अभी तक हमने श्रवण नहीं किया है, उन कथाओं का रसपान आप अपने पूज्य गुरुदेव वेद व्यास जी के श्रीमुख से कर चुके हैं। इसलिए हे सूत जी महाराज, के श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम
तत्वधाधुना श्रेयसाम यद् भवेश्रेय पावनानां च पावन। जो हमारे जीवन में श्रेयस्कर कोई कथा हो, कोई प्रसंग हो, ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई चरित्र, ऐसा कोई प्रसंग आप हमें सुनाएं जिससे हमारे जीवन में गोविंद की भक्ति अवतरित हो जाए। देखो, हम लोग सदगुरु के पास जाते हैं, किसी संत महापुरुष के पास जाते हैं, तो संसार की इच्छा करते हैं, संसार की कामनाओं को लेकर जाते हैं, संसार की वस्तुओं को हम मांगते हैं। लेकिन कथा संकेत देती है, सूत्र देती है कि आज ये शौनक आदि 88,000 ऋषि खाली बाबा जी ही नहीं है, इन सभी ऋषियों की गृहस्थी है, सबके पत्नी है, सबके बच्चे हैं, ये सारे सदगृहस्थ संत हैं। लेकिन बड़प्पन देखिए, इनकी महानता देखिए कि आज सूत जी के पास जाकर संसार की इच्छा नहीं की है, संसार का भौतिक सुख नहीं मांगा है। हमें गाड़ी मिल जाए, हमें बंगला मिल जाए, हमें संपत्ति वैभव मिल जाए, ये नहीं मांगा। क्या मांगा? श्रेयसाम यद् भवेश्रेय, ऐसी कोई श्रेयस्करी कथा, ऐसा कोई परम पावन चरित्र आप हमें सुनाएं जिसके श्रवण मात्र से हमारे जीवन में गोविंद की भक्ति का साक्षात्कार हो जाए। एक बात तो सिद्ध हो गई कि संसार का वैभव जो मांगता है वो संसार में डूबता है, और भगवत भक्ति जो जीवन में मांगता है वो परमात्मा के समीप जाता है। तो इसलिए संत के पास जाकर, सदगुरु के पास जाकर, मंदिर देवालय में जाकर सांसारिक सुख नहीं मांगना है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का दर्शन और परमात्मा की भक्ति मांगनी है। भक्त वत्सल भगवान की, गदगद हो गए सूत जी महाराज। हे सूत, हे शौनकादि ऋषियों, मैं तुम्हारी जिज्ञासा को प्रणाम करता हूं। आप सभी ने भक्ति मार्ग प्रशस्त करने का उपाय पूछा है, और इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं, जनमानस का भी कल्याण छुपा हुआ है। मैं अवश्य ही तुम्हें भगवान की वो परम पुनीत पावन कथा सुनाऊं, उससे पहले महिमा को बताना अनिवार्य समझा है, क्योंकि कथा तब समझ में आएगी जब कथा की महिमा को, कथा के महात्म्य को हम श्रवण करें। जो बात वेद व्यास जी ने प्रारंभ में कही, उसी बात की पुष्टि आज सूत जी महाराज कर रहे हैं। अपने पूज्य गुरुदेव के पदचिन्हों पर चलना चले हैं। हे ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर भाव जागृत किया है, मैं तुम्हारी जिज्ञासा को प्रणाम करते हुए इस प्रसंग में प्रवेश करूं। हे ऋषि सुनो, एक समय की बात है, धरती के तीर्थों का तीर्थाटन करने संत नारद जी चले हैं। 3.5 करोड़ तीर्थ इस धरा पर है, ऐसा स्कंद महापुराण में वर्णन आया है, 3.5 करोड़ तीर्थ। तो उन तीर्थों का तीर्थाटन करने संत नारद जी निकले, हरिद्वार गए, काशी गए, कुरुक्षेत्र गए, रामेश्वरम, बद्री विशाल, समस्त तीर्थों का तीर्थाटन किया है। लेकिन ना पश्यम कुत्र चित धर्म मनः संतोष कार, किसी भी तीर्थ पर जाकर संत नारद जी को आज शांति नहीं मिल रही है, किसी भी तीर्थ पर जाकर संत नारद जी को धर्म का दर्शन नहीं हो रहा। देखो, हम सभी अपने अपने घरों में रहते हैं, पर कोई भी व्यक्ति अपनी छाती पर हाथ रखकर यह नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण शांत हूं। बताओ, शांति की खोज में ही तो हम कथा में आते हैं। हमारे जीवन में हमें शांति मिले, हमारे जीवन में हमें भगवत भक्ति मिले, इसीलिए तो हम मंदिर देवालय तीर्थों पर जाते हैं। पर तीर्थों पर जाने के बाद भी मन अशांत हो जाए, तीर्थों पर जाने के बाद भी मन विचलित हो जाए, मन भटक जाए, तो कोई तीर्थों का सेवन करेगा? बोलो, कोई तीर्थों का सेवन करेगा? नहीं करेगा ना। हम तीर्थों पर क्यों जाते हैं? आत्मिक शांति लेने के लिए।
मन की शांति लेने के लिए। तो संत नारद जी जिस भी तीर्थ का दर्शन करते हैं वहां अधर्म का दर्शन करते हैं, अशांत मन हो गया है। क्योंकि एक भक्त व्यक्ति जब अधर्म देखेगा, एक भक्त व्यक्ति भक्ति में जो सराबोर है वो जब किसी अधर्म पर चले हुए व्यक्ति का दर्शन करेगा तो उसका मन अशांत हो जाएगा, उसकी चित्त वृत्तियां शांत हो जाएगी। संत नारद जी अशांत हो गए हैं, सोचा अगले तीर्थ पर जाऊं। अगले तीर्थ पर जाते हैं, वहां भी वो सब दर्शन पाखंड ही पाखंड, दिखावा ही दिखावा। लोगों ने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, पिता पुत्र की बात नहीं मानता तो पुत्र पिता की बात नहीं मानता, पत्नी पति की बात का सत्कार नहीं करती तो पति अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते। अधर्म के मार्ग पर जब संसार के लोगों को चलते हुए देखा तो दुखी मन से, खिन्न मन से आज संत नारद जी भटकते भटकते श्री धाम वृंदावन पहुंचे हैं। और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे एक बहुत बड़े कौतुक का दर्शन उन्हें हुआ। वृंदावन में क्या देखा कि एक सुंदर जवान युवती जिसके अगल बगल में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, बहुत सी स्त्रियां उस स्त्री को पंखा डुला रही हैं, उसकी सेवा में खड़ी हुई हैं। संत नारद जी वहां गए हैं तो उस सुंदर स्त्री ने प्रश्न किया है, हे नारद जी, शास्त्र कहते हैं नारदो देव दर्शन है, जिसको नारद जी का दर्शन हो जाता है उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। आप तो संत हैं, आपसे मैं एक निवेदन करना चाहती हूं। संत नारद जी ने आश्चर्य में डूबकर पूछा, देवी आपका परिचय, आप कौन? इस सुंदर नारी ने अपना परिचय दिया है, हे महात्मन, कि अहम भक्ति रीति ख्यात, हे महात्मन मैं देवी भक्ति हूं, और मेरे अगल बगल में जो दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए ही है कोई और नहीं, मेरे ही दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, और ये जितनी भी स्त्रियां मुझे पंखा डुला रही है ये स्त्रियां कोई और नहीं, इस धरती की जितनी पवित्र नदियां हैं ये समस्त पवित्र नदियां ही स्त्री का मूर्तिमान रूप लेकर मेरी सेवा में समुपस्थित हुई। हे महात्मन आपसे निवेदन, संसार की रीति है, संसार का नियम है, पहले माता पिता वृद्ध होते हैं और उसके बाद संतान वृद्ध होती है, पर मेरे साथ उल्टा क्यों हुआ? मैं तो आप देख सकते हैं जवान की जवान हूं और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो चुके हैं, अचेतन अवस्था में धरा पर गिरे पड़े हैं, क्यों? आपसे निवेदन, मेरे इन दोनों पुत्रों की वृद्धावस्था को आप दूर करें। संत नारद जी ने कहा, देवी बिल्कुल चिंता ना करें, मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को सचेत करता हूं। कमंडलू में से जल लिया है, अभिमंत्रित किया, वेद वेदांगों का उच्चारण किया है, वेद वेदांग घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता जी का पाठ किया, वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया, वो जल ज्ञान और वैराग्य के ऊपर छिड़का है। एक क्षण के लिए तो ज्ञान और वैराग्य खड़े हुए हैं पर अगले ही पल मूर्छित होकर दोनों गिर पड़े हैं। संत नारद जी ने सोचा कि जितना मैं जानता था वो सब प्रयोग मैंने किया पर अधिक लाभ तो हुआ ही नहीं। जब एक संत को कष्ट होता है तो परमात्मा को भी कष्ट होता है। उसी समय भगवान ने आकाशवाणी करी है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बोधई के श्रीमद भागवता लाप सतु गीत शुका दिवे। उसी समय आकाशवाणी हुई है, हे संत नारद जी, यदि आप चाहते हैं भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, तो इनके निमित्त सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। संत नारद जी विचार करते हैं कि आकाशवाणी ने एक एक किस सत्कर्म के बारे में कहा, कौन सा वो सत्कर्म है जो सत्कर्म मुझे करना चाहिए। देवी भक्ति से कहा, देवी चिंता ना करें, मैं अवश्य ही मार्ग खोज कर आता हूं,
कि किस सत्कर्म के बारे में आकाशवाणी ने कहा है। दौड़ते बद्री विशाल धाम पहुंचे हैं। वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो सदैव 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, कभी 5.25 या 5.5 भी नहीं होते। युग व्यतीत जाने पर भी अवस्था इनकी 5 वर्ष की ही रहती है। जब संत नारद जी को व्यथित देखा तो इन चारों ने प्रश्न किया है कि कथम ब्रह्म नदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भव त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। चारों ने प्रश्न किया है, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, क्यों दुखी हो, तुम्हारे मुखमंडल पर ये चिंताओं के बादल क्यों उमड़ रहे हैं। संत नारद जी ने कहा कि अहम तु पृथ्वीं यातु ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। महाराज, मैं धरती के तीर्थों का तीर्थाटन करने निकला, लेकिन कहीं भी मुझे धर्म का दर्शन नहीं हुआ, कहीं भी मुझे शांति की प्राप्ति नहीं हुई। जब मैं श्रीधाम वृंदावन में गया तो वहां मैंने एक बहुत बड़े कौतुक का दर्शन किया। भक्ति देवी, जिनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था में गिरे हुए हैं, मैंने उन ज्ञान और वैराग्य को चेतन करना चाहा, उठाना चाहा, पर वो उठे नहीं, उनकी वृद्धावस्था का आवरण टूटा नहीं। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने मुझे सत्कर्म के बारे में कहा। तो मैं आप चारों भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि सत्कर्म जो आकाशवाणी ने कहा, वो कौन सा सत्कर्म है जो मुझे करना चाहिए। सनत कुमार मुस्कुराए, हे नारद जी, आपने ध्यान से नहीं सुना, सुनो कि श्रीमद भागवता लाप सतु गीत शुकादिवि। यदि आप चाहते हो ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, तो उनके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करवाओ, क्योंकि भागवत की कथा सबसे बड़ा सत्कर्म है, सबसे ऊंचा सत्कर्म है। इससे बड़ा कोई दूसरा सत्कर्म नहीं हो सकता। बड़े से बड़े दोष को श्रीमद् भागवत कथा नष्ट कर देती है, बड़े से बड़े पाप पुंज को श्रीमद् भागवत कथा नष्ट कर देती है। घर में गृह दोष हो, ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो, देव दोष हो, अन्य कोई भी दोष यदि हमारे जीवन में लगता है, तो भागवत कथा में वो सामर्थ्य है कि भागवत कथा उस दोष को नष्ट कर सकती है। इसलिए तुम उनके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करवाओ, देखना ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा और भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। संत नारद जी कहने लगे, आप भागवत की बात कर रहे हैं, पर मैं तो वेद के मंत्रों को भी सुनाकर आ गया। जब वेद के मंत्र ही कुछ नहीं कर सके, वेद के मंत्रों से भी जब अधिक लाभ नहीं हुआ, तो भागवत क्या करे। भागवत तो वेद से निकली हुई है। तो सनत कुमार कहने लगे, हे महात्मन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस बात को थोड़ा आप गौर फरमाएं, गौर से सुने, बड़े ध्यान से सुनने की बात है कि वेद अच्छी बात है कि वेद के मंत्रों को आपने सुना, पर वेद के मंत्रों को सुनाने पर जरूरी नहीं कि सबकी समझ में वेद के मंत्र आ जाएं। वेद के मंत्र सुनने में अच्छे लगते हैं, पर समझ में तो सबके आता नहीं। संस्कृत का जिसे बोध नहीं, वो वेद के मंत्रों को नहीं समझ सकता। और जो बात हमारी समझ में आ जाए, वो बात हमारे जीवन में जल्दी प्रभाव डालती है। अब यहां वेद के मंत्रों को जितना भी गाया जाए, तुम्हारी समझ में तो आएगा नहीं, पर जो कथा आपको सरलीकरण करके सरल भाव से सुनाई जा रही है, वो हमारी सबकी समझ में उतरती है, वो कथा हमारे जीवन में उतरती है। इसलिए भले ही श्रीमद् भागवत वेद से ही निकला हुआ है,
पर जो काम वेद नहीं कर सकते वो काम श्रीमद् भागवत की कथा कर सकती है। भागवत की कथा उनके निमित्त सुनाओ, देखना भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी और ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। संत नारद जी ने निवेदन किया, आप चारों भाइयों से बड़ा कोई वक्ता हो सकता है क्या? आपसे निवेदन कि आप ही चारों भाई चले और आप ही इस कथा का रस स्वादन भक्ति ज्ञान वैराग्य को कराएं। सनत कुमारों ने कहा ठीक है भैया, थोड़ा हम नीचे उतरते हैं, थोड़ा आप अपने साथ भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर आओ, जहां इकट्ठे होंगे वहीं कथा का प्रारंभ हो जाएगा। श्रीधाम वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग्य चले हैं और वद्री विशाल धाम से सनत कुमार नीचे उतरे हैं। हरिद्वार गंगा जी के पावन तट पर इन आठों का मिलना हुआ और यही श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुआ है। श्रोता बने हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य और संत नारद जी, और वक्ता बने हैं सनत कुमार। कथा प्रारंभ हुई है, तुलसी देवी की स्थापना हुई, संत वहां पहुंचने लगे हैं। जितने भी संतों को कथा का पता चला वो सारे संत वहां कथा श्रवण के लिए पहुंच गए। एक निवेदन करना चाहूंगा इस मंच से, श्रीमद् भागवत कथा का यदि तुम्हें आमंत्रण पत्र न भी आया हो तो भी कभी ये मत सोचना कि आमंत्रण पत्र तो आया नहीं, इनविटेशन कार्ड तो आया नहीं। जहां कहीं भी भागवत की कथा हो बिन बुलाए भी उस कथा में जाना, क्योंकि तो भागवत कथा के लिए कोई इनविटेशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा की कथा पर सबका अधिकार है, भगवान की कथा सबकी होती है, ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। यदि हम ये सोचें कि भगवान की कथा किसी एक व्यक्ति की है, नहीं, परमात्मा की कथा पर तो सबका अधिकार है, भगवान पर तो सबका अधिकार है। कोई एक व्यक्ति यदि ये कहे कि मेरा अधिकार भगवान पर है तो ये उसकी मूर्खता है। भगवान पर सबका अधिकार है, भगवान सांझे हैं, सबके हैं, और भगवान की कथा भी सबकी है। तो इन बड़े बड़े संतों ने ये नहीं सोचा कि हमें बुलाया नहीं गया तो कथा सुनने नहीं जाएंगे। जिन जिन संतों को आगे से आगे सूचना मिली है, मौखिक रूप से पता चला है, तो सारे संत वहां कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हो गए। कुंभ जैसा वातावरण वहां लग गया, कुंभ जैसा वातावरण, कथा प्रारंभ हुई, सनत कुमार कथा सुना रहे हैं। संत नारद जी ने प्रश्न किया, Thank you.
संत नारद जी ने प्रश्न किया है कि हे महात्मनो, आपने कहा कि भागवत की कथा समस्त पापों से हमें निवृत्त करती है, हमारे जीवन के समस्त पाप संतापों को ये कथा नष्ट करती है, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि पापी से पापी व्यक्ति इस कथा को सुने तो क्या उस पापी व्यक्ति का उद्धार इस कथा से हो सकता है? क्या उस पापी व्यक्ति से इस कथा के श्रवण करने मात्र से उस पापी व्यक्ति का कल्याण हो सकता है? तो संत नारद जी के प्रश्न करने पर सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, इस कथा के प्रभाव का तुम दर्शन करो कि पापी से पापी व्यक्ति तो इस कथा की शरणागति में आ जाए, इस कथा श्रवण कर ले तो उसका तो पाप नष्ट होता ही होता है, वो तो पापों से मुक्ति पाता ही पाता है। पर भागवत की कथा का प्रभाव तो इतना उच्च है, इतना अधिक है कि यदि कोई महाप्रेत भी इस कथा को श्रवण कर ले तो उस महाप्रेत का भी इस कथा के प्रभाव से कल्याण हो सकता है। संत नारद जी कहने लगे, बोले जीवन जीते तो हम कथा सुन सकते हैं, ये बात तो समझ में आ रही, पर महाप्रेत कथा को कैसे सुनेगा और महाप्रेत का कल्याण कैसे होगा? तो सनत कुमारों ने कहा कि देखो, तुम्हें एक कथा सुनाकर, एक प्रसंग सुनाकर हम समझाएं कि कैसे भागवत कथा महाप्रेत का भी कल्याण करती है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी, कथा सुनाकर तुम्हें समझाए। सनत कुमार कहते हैं, हे नारद जी, कि तुंग भद्रा तटे पूर्वम भूत पतनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंग भद्रा नदी का वो पावन तट, जिस पावन तट पर एक उत्तम नाम का ग्राम है, उस गांव में समस्त जाति वर्णों के लोग निवास करते हैं, उसी गांव में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण भी रहता है, जिस आत्मदेव की पत्नी का नाम है देवी धुंधली, धुंधली नाम है। देखो, आत्मदेव तो भगवत भजन करने वाले हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, पर ये जो देवी धुंधली है ये कभी भगवत भजन नहीं करती, नास्तिक है। एक बात निवेदन करना चाहूं, किसी भी घर की गृहिणी तब श्रेष्ठ नहीं होती कि वो मेकअप अच्छा करती है, किसी भी घर की गृहिणी की महानता मेकअप करने में नहीं है, किसी भी घर की गृहिणी की महानता लड़ाई झगड़ा करने में नहीं है, किसी भी गृहिणी की महानता पड़ोसियों से मनोरंजन करने में नहीं है, किसी भी गृहिणी की महानता तब मानी जाती है कि यदि उसका पति नास्तिक भी है तो वो उसको आस्तिक बनाने का यदि विचार रखे तो वही गृहिणी घर में श्रेष्ठ होती है। ये समझ लें, क्योंकि हमारी माताओं को धर्म पत्नी कहा गया है, पुरुषों को कहीं धर्म पत्नी लिखा हुआ या कहते हुए किसी को आपने सुना कि पुरुषों को धर्मपति कहा गया हो कि ये मेरे धर्मपति है? ऐसा कोई माताएं बहन बोलेगी? लेकिन पुरुष लोग अधिकांश कहते सुने होंगे आपने कि ये हमारी धर्मपत्नी जी। क्यों? क्योंकि पत्नी वही श्रेष्ठ है जो हमें धर्म से जोड़ दे, पत्नी वही श्रेष्ठ है जो हमारे जीवन में धर्म कर्म को प्रकट कर दे। पति यदि नास्तिक विचारों वाला भी है, भगवान में आस्था रखने वाला न भी है, तो भी धर्म पत्नी का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने पति की बांह पकड़कर उसे कथा पांडाल में पहुंचा दे कि चलो भागवत कथा चली है, हमने भागवत कथा को श्रवण करना है। वो धर्म पत्नियां श्रेष्ठ है, वो स्त्रियां श्रेष्ठ है, उन स्त्रियों के लिए देवी देवता भी नतमस्तक होते हैं, उन मेरी मातृ शक्ति के लिए
संत महात्मा भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं ऐसी ऐसी देवियों के लिए। तो कथा संकेत देती है कि हम धर्म से जुड़े, लेकिन धुंधली तो यहां नास्तिक विचारों की है। आत्मदेव तो श्रेष्ठ है, सात्विक विचार है, पर पत्नी विपरीत विचारों वाली। एक दिन कुछ पड़ोसी आए हैं और पड़ोसियों ने आत्मदेव से कहना प्रारंभ किया, हे आत्मदेव, हम देखते हैं आप रोज गौ ग्रास निकालते हैं, गौ की सेवा करते हैं, पर आपके द्वार पर जो गौ बंधी है उसने अभी तक किसी बच्चे बच्चिया को जन्म नहीं दिया। आप रोज तुलसी के बिरवे में जल अर्पण करते हैं, पर जिस तुलसी के बिरवे में आप जल डालते हैं वो तुलसी सूख जाती है, क्यों? तीसरा आकर कहने लगा, बोले महाराज, हमने तो इतना जाना है, इतना सुना है कि जो निसंतान होते हैं उनके पितर उनसे असंतुष्ट रहते हैं। आप निसंतान हैं, आपके कोई बेटा बेटी नहीं, इसलिए आपके पितर आपसे असंतुष्ट है और इसी कारण आपके यहाँ ये सारे अपशकुन घटित हो रहे हैं। अच्छी भली पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण आज ऐसा भटकाया, ऐसा भटकाया पड़ोसियों ने कि घर का त्याग कर दिया, जंगल में जाकर जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। जब तक पुत्र होने का वरदान नहीं मिलेगा तब तक घर वापिस नहीं आऊंगा, तब तक घर वापिस नहीं आऊंगा, जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। कोई संत जा रहे थे, ब्राह्मण देवता के रुदन को सुना, रोने को सुना, तो दौड़े हैं और पूछा, आत्मदेव क्यों रो रहे हो? कि कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता वलीयसि वदतरं सत्वरं महियं स्वस्य दुःखस्य कारणं। क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देवता? आत्मदेव जोर जोर से रोने लगे। दूसरी बार जब पूछा है तो रुके और कहने लगे, सुनो, मैं निसंतान हूं, मेरे पास कोई बेटा बेटी नहीं है, पर आप जैसे दिव्य संत का मुझे दर्शन हुआ, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुझे कोई ऐसा वरदान दें कि जिससे मेरे एक पुत्र हो जाए, मैं संतानवान बन जाऊं। महात्मा जी ने समझाने का प्रयास किया, देखो आत्मदेव, तुम्हारे यहां बेटा नहीं है तो एक दुख है कि है ही नहीं। यदि बेटा होकर दुष्ट निकल जाए, वो बेटा यदि पापी निकल जाए, दुराचारी निकल जाए, तो दुराचारी दुष्ट पुत्र को प्राप्त करके जीवन भर का रोना बन जाएगा, रोज तुम्हें रोना पड़ेगा, रोज तुम रोते रहोगे। इससे अच्छा तो एक दुख है कि है ही नहीं, अपने घर वापिस जा, ठाकुर जी को अपना बेटा मान। ठाकुर जी को बेटा मानोगे तो मन में एक आनंद की अनुभूति हो जाएगी और रोज रोज के रोना से तुम बच जाओगे, छूट जाओगे। लेकिन आत्मदेव मानने के लिए तैयार नहीं। और बंधु, ये आत्मदेव की कथा नहीं है, ये कथा हम सभी की है। जब कोई संत हमें उपदेश करता है, जब कोई संत हमें समझाने का प्रयास करता है, तो वास्तविकता तो इस संसार की ये है कि हम उस संत के उपदेश को समझना ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि संतों का काम तो बस बोलना है, तो बोलते रहते हैं, हमें तो वही करना है जो हमारा मन करता है, हमारी समझ में वो ज्ञान नहीं आता, पर तब बाद में हमें पछताना पड़ता है, बाद में हमें रोना पड़ता है। आज आत्मदेव को बार बार समझाया है, पर जब नहीं माने तो महात्मा जी ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और आत्मदेव को दिया, बोले जाओ तुम्हें एक पुत्र हो जाएगा, अपनी पत्नी को खिला देना। दौड़े, पत्नी को वो फल देना चाहा, पर नाम है धुंधली। देखो, धुंधली किसे कहते हैं? जिसकी मति पर, जिसकी आंखों पर अज्ञानता की धुंध चढ़ी है, जिसकी आंखों पर मलिनता का पर्दा गिरा होगा, जिसकी आंखों पर अज्ञानता की धुंध चढ़ी होगी, वो भगवत प्रसाद को कैसे स्वीकार कर सकती है? संत प्रसादी को वो कैसे पा सकती है? धुंधली सोचने लगी, देखो मेरे पतिदेव कैसे हैं, बड़े सीधे साधे हैं, बड़े सरल हैं, किसी
संत ने बहका दिया तो वैसे ही बहक गए। अरे फल खाने से भी कभी बेटा होता है। पति से झूठ बोल दिया, हाँ खा लूंगी आप जाओ। फिर विचार आया कि यदि मेरे पति का विश्वास है तो मुझे परख करनी चाहिए, मुझे परीक्षण करना चाहिए कि सचमुच संत के द्वारा दिया हुआ प्रसाद बेटा दे सकता है। और इस ना समझने आज इस फल को 6 वर्षों से जो गौ बांझ बंधी थी उस गौ को खिला दिया। गाय ने जैसे ही संत के दिए हुए फल को पाया है, गर्भावस्था के संपूर्ण लक्षण तुरंत गाय में प्रस्फुटित हो गए। धुंधली ने देखा तो चिंता हुई, अरे ये तो बिल्कुल सटीक सही प्रसाद निकला, अब क्या करूंगी, पति को पता चलेगा तो डांट पड़ेगी। अब बात को थोड़ा बदलने का प्रयास किया। धुंधली की एक सहेली है जिसको बहन की तरह मानती है, जिसके यहाँ कई संतानों का जन्म हो चुका है, आज ये गर्भवती है। इससे कहने लगी, देखो बहन तुम गर्भवती हो और मैंने संतान, तुम्हारे यहाँ संतान का अभाव नहीं और मेरे यहाँ संपत्ति का अभाव नहीं, तुम मुझे अपनी संतान दे दो और मैं तुम्हारी संतान को अपनी संपत्ति दे देती हूँ। कहने लगे कि तुम होने वाली संतान को मुझे दे देना, मेरी इस संपत्ति की इकलौती वारिस ये संतान बनेगी। धुंधली की उस बहन ने सोचा कि कम से कम मेरा एक संतान तो संपन्न हो जाएगी, तो वहीं रहना प्रारंभ कर दिया। ठीक 9 मास के बाद जिस गाय को फल खिलाया था उसी गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसका संपूर्ण शरीर तो मानव की तरह है पर उसके कान गाय की तरह है, गौ सदृश है। आत्मदेव ने इस बच्चे का नाम रखा गोकर्णः, गौ सदृश कर्ण यस्य सह गोकर्णः, गाय की तरह जिसके कान हो वो गोकर्ण है। और यहां धुंधली की बहन ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। धुंधली ने झट से इस बच्चे को अपनी गोदी में ले लिया और पतिदेव से कह दिया कि मैंने ही इस बच्चे को जन्म दिया है। पतिदेव बड़े प्रसन्न हुए, दौड़े कि मेरा नाम है आत्मदेव, अपने बच्चे का नाम रखूंगा परमात्मदेव। पर गुस्से में आकर कहने लगी, बड़े आए अपने नाम से नाम रखने वाले, सुनो मेरा नाम है धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी इति महाखला। बंधो याद रखना, जैसा हम अपने बच्चों का नामकरण करते हैं, अपने बच्चों का नाम रखते हैं, उस नाम का हमारे बच्चों के जीवन में असर भी जरूर दिखता है। असर क्या हुआ कि गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी बने पर धुंधुकारी तो महाखल महादुष्ट बना, माता पिता के वचनों को नहीं मानता है। जिस विद्यालय में पढ़ने गया है, जिस गुरुकुल में पढ़ने गया है, वहां किसी बच्चे को पीट देता है, किसी बच्चे को धक्का मार देता है, किसी को कुएं में फेंक देता है, मदिरा का पान करता है, जुआ खेलता है, दुनिया के जितने भी व्यभिचार है, बुरे कर्म है, उन बुरे कर्मों को यह करता है। देखो कथा ये धुंधुकारी की नहीं है, पर आज भी हमारी मानवता के अंदर बहुत धुंधुकारी बैठे हैं, आज भी हमारे संसार में ऐसे बहुत धुंधुकारी बैठे हैं कि जो अपने माता पिता के वचनों को कभी मानते नहीं। वो कौन है जो अपने माता पिता के वचनों को न माने, वो धुंधुकारी। जो अपने घर में सदैव कलह कलेश करे वो कौन है, धुंधुकारी। जो धर्म कर्म जीवन में कभी ना करे, नास्तिक विचार जो रखे, भगवान को जो ना माने, भगवान के भक्तों को जो सताए वो कौन है, धुंधुकारी। तो आज भी संसार में बड़े ऐसे धुंधुकारी बैठे हैं जो धर्म के मार्ग में यदि कोई चला है तो उसको रोकना उसका कार्य हो, तो वो समझते हैं कि ये जिम्मेदारी हमारी है, तो वो धुंधुकारी नहीं तो फिर और क्या है। निवेदन करना चाहूंगा इस व्यासपीठ से कि संतान वही श्रेष्ठ होती है जो अपने माता पिता के वचनों का स्वीकार करे, जो अपने वृद्ध माता पिता के वचनों को माने, जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करे, जो अपने आए हुए घर में अतिथियों का सम्मान करे, जो अपने धर्म का पालन करे, जो अपने जीवन में कलह क्लेश से दूर रहे, अपने जीवन में जो नशे को छोड़े, वो श्रेष्ठ संतान है। पर जो संतान आज देखो, आज ऐसे ऐसे भयंकर नशे
हमारे संसार में चल चुके हैं, बच्चे ऐसे ऐसे भयंकर नशों में डूबते जा चुके हैं मेरे युवान भाई बहन, कि जिनको पता ही नहीं देश दुनिया में क्या हो रहा है, माता पिता क्या चाहते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं, किस लिए माँ बाप ने हमें हॉस्टल में भेजा है, किस लिए माँ बाप ने हमें इतना खर्चा करके विदेशों में भेजा है, किस लिए माँ बाप ने अपने घर से इतनी दूर हमें पढ़ने के लिए भेजा है, उन्हें कोई चिंता नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा इस व्यास मंच से कि जितने भी मेरे युवान भाई बहन इस संसार में है उन सभी से निवेदन कि कम से कम आप अपने माता पिता के वचनों का पालन करें, कम से कम जिस कारण जिस उद्देश्य से आपको भेजा गया है उस उद्देश्य का आप पालन करें, जिस पढ़ाई के लिए या जिस भी कोर्स के लिए जिस भी कार्य के लिए आपको अपने घर परिवार से माता पिता ने दूर भेजा हुआ है उन कार्यों को आप अपने जीवन में करें, तब हम श्रेष्ठ संतान कहलाने के अधिकारी हैं। पर धुंधुकारी तो अपने जीवन में कुछ मानता ही नहीं। पिता बड़े दुखी हो गए, खिन्न मन से आज पिता बैठे हैं, गोकर्ण आए हैं, अपने पिता को दुखी देखा तो पिता से कहा, हे पिताश्री, आप जैसा परम ज्ञानी दुखी, आपको तो भजन करना चाहिए, क्योंकि धीरे 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 जीवन में भजन करोगे तो भजन करने से हमें परमात्मा की भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। आप जैसा संत दुखी होगा तो संसार के साधारण लोगों की क्या मनोव्यथा होगी, क्या व्यथा होगी। इसलिए पिताश्री, शायद इस संसार को आप अपना मान बैठे हैं, इसलिए आप दुखी हैं। इस संसार के लोगों को आप अपना मान बैठे हैं। देखो, हम दुखी कब होते हैं, जब संसार को हम अपना मान लेते हैं। हम दुखी कब होते हैं, जब संसार की संपत्ति को हम अपना मान लेते हैं। हम दुखी कब होते हैं, जब अपने परिवार को, जब अपने वैभव को हम अपना मान लेते हैं। संसार में ये समझो कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक रोल अदा करने के लिए भगवान ने भेजा है, कब वो बुला लेगा कोई पता थोड़ी भी। इसलिए संसार में रहो पर संसार के बनकर नहीं, परमात्मा के बनकर रहो। संसार में प्रबंधगी करो मेरे बांके बिहारी की, रहो संसार में प्रबंधगी करो ठाकुर जी की, भगवान की वंदगी जो जीवन में करते हैं, भगवान का भजन जो जीवन में करते हैं, उनका कल्याण हो जाता है, उनका कल्याण होता है। तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण 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 धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा करिए, बांके बिहारी लाल की जय हो। काबू में आएगा मन धीरे धीरे, काबू में
भक्त की और भजन धीरे धीरे तेरे सदा वेदवाणी सुने कान तेरे सदा वेदवाणी सुने कान तेरे सदा वेदवाणी हमारे जीवन का सफर भी आनंददायक हो जाएगा इसलिए सफर अपना आसान करता चला जा 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 हर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की शरण 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 धीरे धीरे कर बंदगी और भजन 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 धीरे धीरे
की जय। हमारे जीवन का सफर भजन करने से आसान हो जाता है। आज गोकर्ण जी अपने पिताश्री को यही समझा रहे हैं कि पिताश्री जीवन में भजन को अपनाओ, संसार की व्यथाओं का त्याग करो। ज्ञानोपदेश किया है तो आज घर का त्याग किया, तीर्थों पर तीर्थाटन प्रारंभ कर दिया है और भजन प्रारंभ किया है। गोकर्ण जी भी तीर्थों का तीर्थाटन करने के लिए निकल गए। अकेले धुंधली और धुंधुकारी का साम्राज्य, धुंधली रोकना चाहती है अपने पुत्र को कि मेरा पुत्र बिगड़े ना, पर अपुत्र तो हाथ से निकल चुका है, बिगड़ चुका है, अब कौन सुधारे। जो सुधारने वाले थे वो तो चले ही गए, अब तो पूर्ण रूप से ऐसा बिगड़ चुका है कि डूब रहा है व्यभिचारों में। वैश्याओं का सेवन करता है, गणिकाओं का सेवन करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, दुराचार करता है। घर का जब पूरा धन संपत्ति खत्म हो गई, जुए में तो एक दिन अपने मां को ही गले से पकड़कर मारना चाहा, मां को बड़ी गलानी हुई, रात्रि में उठी और कुएं में कूदकर अपने प्राणों का त्याग किया। पांच पांच वैश्याओं को ये दुष्ट पापी धुंधुकारी अपने पिता के घर में लाया। इन वैश्याओं ने मदिरा का पान इसे कराया और जितना भी धन इसने इकट्ठा किया था उस सारे धन को एकत्रित करके पहले धुंधुकारी को मारा, बिस्तर से बांध कर मारना चाहा, गला घोंट कर मारना चाहा, जब नहीं मरा तो जलते हुए अंगार इसके मुंह में टूटे, मौत आई नहीं थी, जबरदस्ती इन गणिकाओं ने मारा तो पिशाच बना है, प्रेत बना है। तीर्थों पर जाकर सूचना मिली गोकर्ण जी को, तो गया जी में जाकर पिंडदान किया। समय व्यतीत हुआ, गोकर्ण जी अपने पिता के यहां आते हैं, रात्रि का समय है। गोकर्ण जी ने जैसे ही अपने पिता के घर में प्रवेश किया तो क्या देखते हैं, सामने एक प्रेत कभी बैल बनता है, कभी घोड़ा बनता है, कभी हाथी, कभी बकरा बन जाता है। समझ गए कि ये कोई महाप्रेत है, जल उसके ऊपर छिड़का, तुम कौन हो, अपने वास्तविक रूप में आओ। उसी समय ये महाप्रेत सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नाशितं मया। भैया मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधुकारी हूं, मैं यहां महाप्रेत बना हूं। अरे धुंधुकारी, तुम और महाप्रेत, तुम्हारे निमित्त तो मैंने गया जी में पिंडदान कर दिया था। शास्त्र कहते हैं गया जी में जिनके निमित्त पिंडदान हो जाता है वो तो मुक्त हो जाते हैं, उनकी तो मुक्ति हो जाती है, तुम प्रेत कैसे हो सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा कि महाप्रेत अपने मुख से कह रहा है, भैया गया श्राद्ध शतेनापि मुक्ति रमेन भविष्यति, एक बार तो क्या, 100 बार भी मेरे निमित्त यदि आप गया जी में जाकर पिंडदान करोगे तो भी मेरी मुक्ति निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में इतने पाप कर्म जो किए, पर मैं जानता हूं मेरा भाई परम ज्ञानी है और परम ज्ञानी मेरा भाई अवश्य ही मुझे मुक्त करेगा। भैया इस प्रेत योनि में बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा, बड़ी वेदना हो रही है, आपसे निवेदन कि अति शीघ्र मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कराओ। अपने भाई को सांत्वना दी, चिंता मत करो, तुम्हें अवश्य ही इस प्रेत योनि से मैं मुक्त कराऊंगा। भुवन भास्कर सूर्यदेव से पूछा तो सूर्यदेव ने उत्तर दिया, हे गोकर्ण जी कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। यदि आप अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा इनके निमित्त करवाओ, अवश्य ही तुम्हारा महाप्रेत बना हुआ भाई मुक्त हो जाएगा। रास्ता मिला तो सारे गांव वालों को एकत्रित किया और व्यास मंच लगाया गया, सामने धुंधुकारी को एक आसन दिया कि इस पर बैठो और कथा सुनो। अपने आप गोकर्ण जी कथा सुनाने लगे, लेकिन हवा के प्रभाव से ये धुंधुकारी कथा नहीं सुन रहा है, कभी उड़कर यहाँ जाता है, कभी उड़कर वहां। तो दक्षिण दिशा में एक सप्त ग्रंथियों वाले बांस को गाड़ा गया, जिस बांस के पोल में इस धुंधुकारी को बिठाया कि इसमें बैठकर तुम कथा सुनो। पहले दिन की कथा पूरी हुई, पहली ग्रंथि का भेदन, दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी ग्रंथि का भेदन, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें दिन की जैसे ही कथा पूरी हुई, सातों ग्रंथियों का भेदन हुआ है और इस बांस के पोल में जो धुंधुकारी बैठा था ये धुंधुकारी एक दिव्य रूप में परिणित हो गया है। बोले भागवत भगवान की। वैकुंठ से एक
दिव्य विमान नीचे उतरा है और इस विमान में भगवान के पार्षद धुंधुकारी को विमानारूढ़ करने लगे हैं। प्रभु कर्ण जी ने रोका कि अत्तैव बहवाशन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कृतम्। भैया यहाँ तो बहुत से श्रोतागण बैठे थे, पूरे गांव वाले बैठे थे, अकेले मेरे भाई के लिए ही विमान क्यों आया, सबके लिए विमान आना चाहिए था। तो गोकर्ण जी ने जब ऐसा कहा तो भगवान के पार्षद कहने लगे बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जिस प्रेम से, जिस श्रद्धा से, जिस भाव से इस प्रेत बने हुए धुंधुकारी ने कथा को सुना, उस प्रेम और भाव से गांव वालों ने कथा को नहीं सुना। गांव वाले तो कथा पंडाल में आकर कभी कोई कमी निकालते थे, कभी दाएं बाएं देख लेते थे, कभी मोबाइल पे बात कर लेते थे, कभी एक दूसरे से मनोरंजन कर लेते थे। कथा पंडाल का नियम है कि एक आसन पर बैठकर हम कथा श्रवण करें तो ही कथा श्रवण का हमें पूरा फल मिलता है। अब जिस भाव से, जिस प्रेम से इसने कथा को सुना, उससे उस प्रेम से इन गांव वालों ने कथा को नहीं सुना। के हंसा बगुला एक सा मानसरोवर माही, बगुला ढूंढे माछरी हंसा मोती खाए। मानसरोवर में हंस भी रहता है, बगुला भी रहता है, पर दोनों में अंतर क्या है? बगुला सिर्फ और सिर्फ मछलियों को खोजता है और हंस मानसरोवर की गहराई से मात्र मोतियों को चुनता है। तो कथा पांडाल में आने के बाद हम सभी को हंस बनना है, बगुला नहीं। पुनः गांव वालों को कथा सुनाई और सबने बड़े प्रेम से कथा सुनी। सारे गांव वाले विमानारूढ़ होकर भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। बोले भागवत भगवान की, यहां भक्ति ज्ञान वैराग्य को इसी कथा को सुना रहे थे। सनक सनंदन सनातन संत कुमार, जैसे ही कथा की पूर्णता हुई है, भक्ति देवी के दोनों पुत्र खड़े हो गए। अपने दोनों पुत्रों को जब भक्ति देवी ने जवान होते हुए देखा तो भक्ति देवी प्रसन्न हो गई, नृत्य करने लग गई, झूमने लग गई। ज्ञान और वैराग्य झूमने लगे, संत नारद जी वीणा आलापने लगे, सुंदर कीर्तन लहरी प्रारंभ हो गई। के प्रहलाद स्थाल धारी तरल तया गति तया चौधव कांस्य धारी, वीणा धारी स्वर ऋषि कुराज कुशल राज करत अर्जुनो भूत, इंद्रो वादि मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमार, यत्राग्रे भाव वक्ता सर सर चनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। कीर्तन में ताली बजाना किसने प्रारंभ किया? बोले प्रहलाद जी ने। प्रहलादस तालधारी उद्धव जी कांसा बजाने लगे, अर्जुन राग अलापने लगे, इंद्रोवादी मृदंगम इंद्र भी मृदंग बजाने लगे, संत नारद जी वीणा अलापने लगे और सनत कुमार जय हो जय हो जय हो कहने लगे। बड़ी सुंदर कीर्तन लहरी प्रारंभ हुई है और उसी कीर्तन में, देखो कीर्तन में ताली का बड़ा महत्व होता है। मैं अक्सर कहता हूं कि कानों में बाली का महत्व, अरे अरे भोजन में थाली का महत्व और ससुराल में साली का महत्व और कीर्तन में ताली का महत्व होता है। भक्तवत्सल भगवान की, इसलिए कीर्तन में ताली खूब बजाया करो। और ताली बजाने के क्या क्या लाभ होते हैं कल के प्रसंग में आपको सुनाऊंगा, क्या क्या लाभ हमें ताली बजाने से हो जाते हैं। तो यहाँ प्रहलाद जी ने ताली बजाई, बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ, भक्ति देवी भी नृत्य करने लगी, भोले बाबा भी उसमें आकर झूमने लगे हैं, मेरे नारायण महाप्रभु भी वहां प्रकट हो जाते हैं। बोले नारायण भगवान की। अद्भुत है ये भागवत की कथा। जो भी कथा, इस कथा का जो भी अपने जीवन में रसपान करता है उसके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, ऐसी भगवान की ये अहतुकी कथा, कृपा बरसाने वाली भगवान की यह दिव्य कथा। तो समय को देखते हुए आज की कथा को मुझे यहीं विश्राम देना होगा। कल की कथा का आनंद हम कल के सत्र में लेंगे और अभी थोड़ा जो जो भी भक्त आज मैं देख रहा हूँ, शिमला से भी यहाँ भक्त हमारे पहुंचे हुए हैं, धर्मशाला से भी यहाँ भक्त हमारे आए हुए हैं और ये दोनों भक्त ऐसे हैं कि इन दोनों भक्तों की हमें पूर्व में भागवत कथा कह चुका हूँ और श्रद्धावंत होकर यहाँ आए हुए हैं। और भी यहाँ बहुत से भक्त हैं, तो बीच बीच में हमारे कुंज बिहारी जी भक्तों
की चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि भक्त और भगवान दोनों की चर्चा कथा पांडाल में हो जाए तो कथा का आनंद ही कुछ और हो जाता है। तो जो भी आप भक्त यहाँ श्रद्धावंत होकर श्रोता बनकर इस कथा का आनंद ले रहे हैं, सबके ऊपर मेरे ठाकुर जी की कृपा का वर्षण होवे, यही राधे। इसलिए आप सभी भक्त अधिक से अधिक कथा का आनंद लें और शुभारती चैनल के माध्यम से, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जो जो भक्त इस कथा का आनंद ले रहे हैं, उन सभी भक्तों के लिए भी व्यास मंच से प्रेम भरी राधे राधे। राधे राधे। एक बार प्रेम सर भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाकर कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद। सुभारती चैनल और महाराष्ट्र के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से देश और विदेश तक ये कथा सजीव प्रसारण में पहुंच रही है, तो स्थानीय भक्त परिवारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज कथा का प्रथम दिवस, कथा विरामता की ओर, लेकिन कल भी कथा का समय यही रहेगा 11 बजे से 2 बजे तक। परसों से 5 दिन कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, तो आप सभी भक्त परिवार उसी प्रकार पधारेंगे। कहते ना कि जो बेहतर होते हैं उन्हें इनाम मिलता है, जो बेहतर होते हैं उन्हें इनाम मिलता है, और जो बेहतरीन होते हैं उन्हें भगवान मिलता है। अब ये डिसाइड आपको करना है, आप बेहतर बनना चाहते हैं या बेहतरीन बनना चाहते हैं। अब आप बेहतर हैं इसलिए क्योंकि आप अपना समय निकालकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो आप बेहतर बन चुके हैं। अब आवश्यकता है आपको बेहतरीन बनने की, क्योंकि कथा के साथ साथ, भगवान की कथा के साथ साथ सेवा से भी आपको जुड़ना है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव, श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव, सतगुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में आज से ये प्रारंभ हो रहा है, और ये आयोजन की सफलता आप सभी भक्तों के कंधों पर है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, स्थानीय भक्त परिवार जो भी इस आयोजन में आना चाहते हैं, जैसे कि पूर्व में मैंने कहा, निवेदन किया, एक बार फिर प्रत्येक दिन निवेदन करना चाहूंगा, ये आयोजन अकेले पूज्य गुरुवर का नहीं है, आप सभी ग्राम वासियों का है। जो यहाँ आ रहे हैं आप सभी सब परिवार पधारें। जैसे कि महर्षि ने कहा, कई बार लोगों को लगता है कि मेरे पास फोन नहीं गया, इन्विटेशन कार्ड नहीं गया या मैसेज नहीं गया, जानकारी नहीं गई, तो मैं कैसे कथा के आयोजन में पधारूं। इसका मतलब यही होता है कि आप आयोजन को, इस आश्रम को, बांके बिहारी को, गुरुदेव को अपना नहीं मानते, तब आप ऐसी धारणाएं आपके विचार संकल्प में आते हैं, आपके मन में ये विचार उत्पन्न होते हैं। तो निवेदन करना चाहूंगा, जो भक्त परिवार ये सुनते हैं, समझते हैं कि गुरुवर तो मेरे हैं, आश्रम भी मेरा है, ये स्थान भी मेरा है, बांके बिहारी भी मेरे हैं, तो सभी को इस आयोजन में आना है, और आप सभी को साथ में सभी को लेकर भी आना है, इस आयोजन को सफल बनाना है। और ये आयोजन की सफलता, एक सेवा का कार्य, ये आश्रम निर्माण का जो कार्य चल रहा है, बांके बिहारी की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर होनी है, तो सभी भक्त परिवारों से निवेदन करूंगा जो इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं, जितनी जिसकी श्रद्धा हो, आपको लगे बहुत ही सुंदर सेवा का कार्य है और आपको करना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप विचार करें करना है कि नहीं करना है, मैं तो इस मंच से कहूंगा कि आप ये संकल्प, कहते ना कि अपने जीवन में पल्लू में गांठ बांध लें, हमारे ब्रज में तो बांधी जाती है, यहाँ की माताओं की मेरे को पता नहीं, हमारे यहाँ की ब्रज भूमि की जो माताएं होती हैं मथुरा वृंदावन की, कोई चीज भूल जाती है तो अपने जो पल्लू होता है साड़ी का उसमें गांठ बांध लेती है तो वो चीज याद आ जाती है। तो इसी प्रकार आप माताएं यहाँ से जाएं तो पल्लू में गांठ बांध के जाएं, कमें इस आश्रम से जुड़ना है और आश्रम की सेवा करनी है और इस मंदिर के आयोजन को सफल बनाना है, तो आप सभी को सेवा से भी जुड़ना है। तो आइए, बेहतर के साथ साथ बेहतरीन बनने का मौका भी आपको मिल रहा है, और आज महर्षि के भक्त परिवार जो यहाँ पधारे हैं धर्मशाला से, वो बेहतर भी है और बेहतरीन भी है, क्योंकि कथा के साथ साथ सेवा के कार्यों से भी आप जुड़े रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आदरणीय जगदीश चंद्र जी धर्मशाला से जो पधारे हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें।
जिन्होंने, आइए धर्मशाला से पधारे, पधारिए, पटका निकालें। और आदरणीय जगदीश चंद जी धर्मशाला से पधारे हैं, इन्होंने बोलने के लिए मना किया था, लेकिन मैं तो बोलूंगा, मैं बोलने के लिए आया हूं, क्या मेरी मजबूरी है। आपने 11,000 रुपए का सहयोग दिया गौ माता की सेवा के लिए, तालियां बजाकर अभिनंदन करें, पधारिए, आप आइए, गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और 1100 रुपए का सहयोग दिया है संतों के भंडारे महाप्रसाद के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, स्वागत। इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा, मदन लाल जी शिमला से पधारे हैं, आप भी पधारे, आप कथा में तो पधारे हैं लेकिन सेवा से भी जुड़े हैं, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। आदरणीय मदन लाल जी शिमला से जो पधारे हैं, आपके नाम की भी घोषणा इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर हो जाए। और गुरुदेव के सदग्रस्त परिवार हैं, भक्त परिवार हैं, मदन लाल जी शिमला से कितनी, 11,000 कर दो घोषणा, देखना क्या है, देख तो रहे हो, ये आश्रम आपका है, गुरुदेव आपके हैं, जो आपकी श्रद्धा है। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ऊना से पधारे हैं, आप ही मंच पर पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अभी बता दो कल का, कल तो कल किसने देखा है, आज करे, कल के बारे में नहीं सोचना। हाँ जी ऊना से पधारे नरेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें, तालियों में कंजूसी नहीं करें, जोरदार तालियां बजाकर धन्यवाद आपका। और मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर नागेश जी डुमहर से जो पधारे हैं, और उनके पुत्र और पुत्र वधु भी साथ में पधारे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारे। डॉक्टर साहब पूज्य महर्षि से व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पधारे मंच पर। पदम जी और उनकी टीम जो बहुत ही सुंदर सेवा का कार्य यहाँ पर दिनों से कर रही है, मैं उनको भी निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारें और पूज्य महाराषि से आशीर्वाद आप प्राप्त करें, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, बहुत बहुत धन्यवाद। पदम जी और उनकी टीम पधारे मंच पर, पूज्य महाराषि से आशीर्वाद आप प्राप्त करें। डॉक्टर साहब की भी घोषणा कर दूं, बहुत बहुत धन्यवाद, इस आयोजन को सफल बनाए गुरुदेव आपके हैं, आप सभी समय से पधारे, कल कथा का यही समय रहेगा 11 बजे से 2 बजे तक, परसों से 2 बजे से कथा रहेगी, तो आप सभी भक्त परिवार पधारे। हाँ भैया पंकज भैया कुछ सेवा लिखा रहे हैं हमारे मदन जी, आप बता दें, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, कहते ना कि भगवान का प्रसाद है, जो भी आप सेवा करते हैं अपने लिए नहीं अपने भगवान के लिए कर रहे हैं। और यहाँ जो बांके बिहारी का मंदिर का निर्माण कार्य होना है, आज जब गुरुदेव इस रास्ते पर जैसे गाड़ी टर्न ली, तो गुरुदेव के मन में विचार आया कि बांके बिहारी तो वृंदावन में हैं, लेकिन यहाँ के भक्त बांके बिहारी से प्रेम अधिक करते हैं, तो यहाँ के बिहारी जी का नाम प्रेम बिहारी रखा जाए, आपको पसंद है ना, तो तालियां बजाइए जोरदार। तो हमारे बांके बिहारी के भक्त, जो यहाँ के भक्त बांके बिहारी से प्रेम अत्यधिक करते हैं, तो ऐसे प्रेम बिहारी का मंदिर यहाँ पर जो बन रहा है, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ये मंदिर का कार्य पूरा हो जाए, लेकिन कार्य पूरा तभी होगा जब आप बांके बिहारी से प्रेम करते हैं, वो प्रेम दिखाएं और सेवा से भी आप जुड़ें। आदरणीय मदन लाल जी मेरी प्रार्थना पर जो शिमला से पधारे, 2500 रुपए का अनुदान आपने दिया है, जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन। और नरेंद्र जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी जो ऊना से पधारे, उन्होंने 500 रुपए की राशि सेवा के लिए लिखाई है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा छोटी है बड़ी कोई बात नहीं, लेकिन बांके बिहारी प्रेम बिहारी की कृपा से आपके मन में ये भाव उत्पन्न हुए कि चलिए गुरुवर के इस सेवा के कार्य में हमारे इसी भी एक छोटी सी सेवा की राशि पहुंचे, इस आयोजन में पधारने पर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, अभिनंदन वंदन स्वागत आप श्री को प्रणाम करते हैं। तो आइए अब आरती में प्रवेश करते हैं, और आरती के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा आज के पूजन के यजमान श्रीमान निधि राम जी सनोप श्रीमान भगवान दास जी पधारे मंच के समीप, आदरणीय श्रीमान बलबीर सिंह जी और श्रीमती खेमा जी और उनकी पत्नी उनकी बेटी है रंजना जी पधारें, और कृपया आरती में सम्मिलित हों। और आज के भंडारे प्रसाद की व्यवस्था भी इन्हीं आयोजक यजमान परिवार की ओर से रखी गई है, भंडारा प्रसाद की भी, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। आइए आरती में
सम्मिलित होंगे। और देखिए वृंदावन धाम से बांके बिहारी के दुपट्टे आए हैं, पटके आए हैं आपके लिए, तो आप भी भक्त परिवार सेवा से जुड़कर बांके बिहारी के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर वन औषधि एवं टॉनिक। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय धर्म प्रचारक एवं कथा प्रवक्ता परम पूज्य आचार्य श्री हरि जी महाराज के